ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पीएफ कॉलेज सरगोधा और पीएफ कॉलेज लोअर टोंपा का जो फाइनल इंटरव्यू है उसकी हम एक जो है वो फाइनल सेशन चला रहे हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं एक लड़के का इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो आप लोगों को यहाँ से ये गेस हो जाएगा कि इंटरव्यू में किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं। इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात ये है कि आपने कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना है। कोशिश कर ले कि अपना जनरल नॉलेज, वर्ल्ड अफेयर्स, करंट अफेयर्स, आपके स्कूल वर्क यानी जिसमें आपने टेस्ट दिया है, जैसे साइंस के डिफिनीशंस, उर्दू के मुहावरात, ठीक है, इंग्लिश के टेंसेस, एक्टिव पैसिव वाइस, इनकी भी आप अच्छी सी रिवीजन कर ले। इसके अलावा आपका क्विक मैथ जो है वो, मतलब आप मैथ के आंसर्स का क्विक आंसर दे सको, परसेंटेज निकालना, जैसे आप 200 रुपीज़ मार्केट लेकर गए और आपने 30% खर्च कर लिए तो कितने पैसे बच गए या कितने पैसे खर्च किए। एक शर्ट की कॉस्ट प्राइस अगर 90 रुपीज़ है और 15% डिस्काउंट मिल गया तो आपको कितने पैसे देने हैं शॉप वाले को। इस तरह अगर एक शर्ट की कॉस्ट प्राइस 200 है और 30% प्रॉफिट हुआ तो सेल प्राइस जो है वो कितनी होगी। और एक दर्जन अंडों की कीमत अगर 30 रुपीज़ है तो 30 एग्स यानी ढाई दर्जन अंडों की कीमत क्या होगी, या 4 अंडों की कीमत क्या होगी, या 3 अंडों की कीमत क्या होगी। इस तरह ज़कात के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकते हैं कि अगर 100 रुपीज़ पे 2.5 रुपीज़ ज़कात है यानी 2.5%, तो 10,000 पे ज़कात कितनी होगी। ज़कात का एक शॉर्टकट ये भी है कि आप ज़कात को फाइंड करने के लिए उस नंबर को 40 से डिवाइड कर लें, और अगर आपने ज़कात के अमाउंट से टोटल अमाउंट मालूम करना है कि जैसे ज़कात उसने 4,000 रुपये दे दिया तो टोटल उसके पास कितने पैसे थे, तो आप 4,000 को 40 से मल्टीप्लाई कर ले, तो इस तरह आपको टोटल अमाउंट भी मिल सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप जो है ना, चूँकि पाकिस्तान एयरफोर्स में जा रहे हैं, डिफेंस फोर्सेज में जा रहे हैं, तो आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में पता होना चाहिए, आर्मी और नेवी के बारे में पता होना चाहिए, इन सर्विसेज के चीफ्स के नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पाकिस्तान के पॉलिटिक्स वाले साइड पे जा लें तो चीफ मिनिस्टर्स के नाम, गवर्नर्स के नाम, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम, इस वक्त जो काबीना है उसमें इम्पोर्टेंट वजारतें, जैसे वजीर रेलवे, वजीर दाखिला, जैसे आज की इंफॉर्मेशन है कि शेख रशीद को वजीर दाखिला बनाया गया, तो आप लोग डेली रात को 9 बजे की खबरें किसी भी चैनल के, कोई भी चैनल आप लगाएं, रात 9 बजे की खबरें आप लाजमी सुना करें। अगर आप रात 9 बजे की खबरें मिस कर लेते हैं तो आप यूट्यूब पे किसी भी टाइम आप वो न्यूज़ सुन सकते हैं, मतलब जैसे रात के 9 बजे का खबरनामा तकरीबन रात 10:30 तक आ जाता है यूट्यूब पे, तो अगर आप रात को मिस कर लेते हैं तो आप सुबह देख लें। तो न्यूज़ आप डेली जो है वो अपने इंटरव्यू के दिनों में स्पेशली, और नॉर्मल दिनों में भी आप अपने न्यूज़ जो है ना लाजमी देखा करें, ताकि आपको इस दुनिया के बारे में, पाकिस्तान के बारे में और अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में पता हो। एक लास्ट पॉइंट ये है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन शुरू कहाँ से करें। इंटरव्यू प्रिपरेशन आप खुद से शुरू करें। सबसे पहले तो आपको खुद के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। खुद के बारे में क्या इंफॉर्मेशन, कि जैसे मेरा नाम क्या है, ये तो सबको पता है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, हाइट क्या है, वेट क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आपकी फेवरेट पर्सनालिटी कौन है, आपका रोल मॉडल लाइफ का कौन है, ठीक है, आपका अगर स्पोर्ट्स, अब मैं आपको फुटबॉल पसंद है तो फुटबॉल में आपको कौन सा प्लेयर पसंद है, वो प्लेयर के बारे में भी पेरेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि वो प्लेयर कहाँ पैदा हुए, किस टीम की तरफ से खेलते हैं, फुटबॉल का लास्ट वर्ल्ड कप किसने जीता था, ठीक है, और किस किस का मैच हुआ था, ठीक है। जैसे क्रिकेट के लास्ट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, आई थिंक इंग्लैंड ने जीता था, तो मैं अगर कोई गलत कहूँ तो मुझे कोई इतना परफेक्ट तो है नहीं नॉलेज क्रिकेट फुटबॉल के बारे में, लेकिन आप लोगों को इससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनको कितने साल की उम्र में नबूवत मिली, ठीक है, उनके साथी, उनको जब नबूवत मिली तो सबसे पहले मर्दों में कौन ईमान लाए, औरतों में पहले कौन ईमान लाए, ग़ुलामों में पहले कौन ईमान लाए, ठीक है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और इन सब में सबसे पहले कौन ईमान लाए थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ये पता होना चाहिए। मदीना की हिजरत कब हुई, ठीक है, और जब हिजरत हुई तो वो उस वक्त से हिजरी शुरू हुआ, तो उस हिजरी में हिजरी के वाक़यात आपको पता होना चाहिए कि यकम हिजरी को क्या हुआ था, दो हिजरी को क्या हुआ था,
खासकर नमाज कब फर्ज हुई, रोजा कब फर्ज हुआ, गजवे बदर कब हुआ, ठीक है। इसके अलावा सुलह हुदैबिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा फिर चलते हैं जनाब, शुरू की थी आपकी पर्सनालिटी से, लेकिन आखिरी हाँ एक पॉइंट रह गया, वो है दुआए कुनूत और कलमे। दुआए कुनूत आपको परफेक्ट आना चाहिए और छः के छः कलमे आप लोगों ने याद करने हैं। देखिए आप लोगों को आज जो मैंने लेक्चर दिया ना, ये 5-6 मिनट में जो मैंने बातें की, इसमें मैंने आप लोगों को इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा बता दिया। अब अगर आप इन पॉइंट्स को भी नोट करके, मेरे हर पॉइंट को, किसी एक को भी मिस नहीं करना, इवन कि उर्दू के मुहावरात और साइंस के डेफिनेशन भी मिस नहीं करना, इन सब पॉइंट्स को अगर आप जमा करके स्टडी कर ले तो आपके इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो जाता है, जो आप लोगों को यूजुअली नहीं पता होगा कि वहां से हमसे कौन सी इंफॉर्मेशन ली जाएगी। अच्छा तो सबसे पहली बात, मैंने तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता दी, लेकिन उसमें जो मेन चीज़ मैंने बताई वो क्या थी, वो ये थी कि आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आप क्या हो, ठीक है। आपको अपने बारे में तो सारा पता होना चाहिए, ये नहीं कि वो आपसे आपका वेट पूछ ले, आपको अपने वेट का भी ना पता हो, आपको अपनी हाइट का भी ना पता हो, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपका फेवरेट सब्जेक्ट पता होना चाहिए, फिर उस फेवरेट सब्जेक्ट, ऐसा नहीं फेवरेट, अगर आपका साइंस फेवरेट है तो आप साइंस की डिफिनेशन तो अच्छी तरह से याद कर लो, क्योंकि आपसे साइंस की डिफिनेशन पूछेंगे, पता तो लगे कि आपका साइंस फेवरेट है, तो उसकी स्टडी भी फिर ज़्यादा करें। अच्छा फिर आपका जो फेवरेट पर्सनालिटी है उसकी कुछ खूबियाँ भी आपको पता होना चाहिए कि वो आपका फेवरेट क्यों है, क्लियर हो गया। अच्छा फिर खुद से हट जाओ तो अपने लेफ्ट राइट देख लो, लेफ्ट राइट में कौन है आपके, लेफ्ट राइट में आपके बहन भाई है, तो आपको अपने बहन भाइयों के डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, कितने बहन भाई है, किस किस क्लास में पढ़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ऊपर चले जाओ, ये लेफ्ट राइट में बहन भाई हो गए, आपके ऊपर आपके वालिदैन हैं, ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं, आपको अपने पेरेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, उनकी खूबियाँ पता होना चाहिए, पेरेंट में कोई खामी वैसे नहीं होती, ठीक है, हर कोई को अपने पेरेंट्स आइडियल नज़र आते हैं, तो अगर इनकेस वो खामी आपको नहीं भी पता तो नो प्रॉब्लम, आपको अपनी खूबियाँ खामियाँ पता होनी चाहिए, आपके बेस्ट फ्रेंड की खूबियाँ खामियाँ भी आपको पता होनी चाहिए। अब पेरेंट्स से आगे चले जाए तो आपका मोहल्ला, आपको अपने मोहल्ले के बारे में, जैसे आप लोग अगर बेस में रह रहे हैं तो बेस के बारे में, बेस कमांडर साहब का नाम क्या है ये पता होना चाहिए, बेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप सिविल में रह रहे हैं जैसे आप शालीमार बाग के करीब रह रहे हैं तो वहाँ के इंतज़ामिया के बारे में और कोई थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए कि वहाँ का क्या मशहूर है, कौन कौन से शॉप्स पे आप जाते हो जो फेमस है, ठीक है। अच्छा फिर आप आ जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, उस डिस्ट्रिक्ट का क्या मशहूर है, उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ पता होना चाहिए, जैसे एक मेरा स्टूडेंट था उसके डिस्ट्रिक्ट में एक टैंक से जो है ना वो एक चौक पे ना एक टैंक लगा हुआ था, ठीक है, 1965 में जो इंडिया से टैंक लिए थे ना वो उसमें से एक टैंक उसके गांव में था, और उस इंटरव्यूअर को पता था, इंटरव्यूअर ने जब बच्चे से पूछा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, उसने कहा इस डिस्ट्रिक्ट से, अब मुझे उस डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं पता, और फिर उससे पूछा कि वहाँ पर आपका गाँव कौन सा है, तो उसने बता दिया कि मेरा तो वो गाँव है, तो इंटरव्यूअर को ऑलरेडी पता था कि उस गाँव में एक टैंक भी है, ठीक है, चौक पे, तो उससे पूछ लिया कि गांव में क्या मशहूर है, कोई ख़ास चीज़ जो दूसरे गांव में ना हो, तो उस बच्चे ने बता दिया कि हमारे गांव के चौक पे एक टैंक लगा हुआ है जो 1965 में, क्योंकि बॉर्डर के करीब का गांव था, तो 1965 में हमारी बहुत शहादत ही थी, तो जो इंडिया के साथ लड़ाई हुई थी और उसमें जो आई थिंक कोई टैंक जो है वो हम लेकर आए थे या ऐसा कोई सीन हुआ था, लेकिन वो टैंक वहीं पर है, तो इंटरव्यूअर ने कहा कि हाँ बिल्कुल वो वहीं पर है, उनको ऑलरेडी पता था। तो फिर उससे आगे चले जाए कंट्री, आपके मुल्क में क्या हो रहा है, खासकर इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है। सबसे पहले बेटा तो आप लोग पाकिस्तान एयरफोर्स में जा रहे हैं, मैं आप लोग को बताता चलूं कि यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना, ठीक है, पाकिस्तान, अभी रात को मैं खबरों में देख रहा था कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, ठीक है, एक एक्सरसाइज हो रहा है, ठीक है, फाइटर प्लेन्स का एक एक्सरसाइज हो रहा है, ठीक है, हैदराबाद के करीब एक बेस है वहाँ पे, और अगर आपने मज़ीद उसके बारे में जानना है तो पाकिस्तान एयरफोर्स का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप जस्ट यूट्यूब सर्च में लेके पाकिस्तान एयरफोर्स, तो उस पाकिस्तान एयरफोर्स में पहली जो 2-3 वीडियोज़ हैं वो आपको अभी रिसेंटली मिल जाएंगे, जो रिसेंटली कोई काम हो रहा है, तो इस तरह आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में भी जानकारी हासिल हो जाएगी कि आजकल क्या हो रहा है। तो आजकल सी पैक बन रहा है, पाकिस्तान एयरफोर्स का एक्सरसाइज चल रहा है, इसके अलावा PDM वाले अपने जलसे कर रहे हैं, ठीक है, हुकूमत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ जो भी कर रहे हैं, सो एंड सो। अच्छा आपने किसी भी
पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखना। बीइंग डिफेंस पर्सन, अगर आप लोगों ने डिफेंस में जाना है तो आप लोग न्यूट्रल होने चाहिए, आप लोगों को किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। बस आपने एक न्यूट्रल अंदाज से अपना आंसर देना है और अपने नॉर्मल लाइफ में भी एक न्यूट्रल बिहेवियर रखना है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये सारी बातें समझ आ गई होगी, ऐसा ही है। तो अभी चलते हैं एक इंटरव्यू की जानेब। एक लड़के का मैं इंटरव्यू करूंगा, अमान मसूद, और वो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे बताएगा, तो उससे आप लोगों को काफ़ी रहनुमाई मिल जाएगी। सो अमान मसूद, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज़ मोहम्मद अमान मसूद। आई एम माय फादर नेम इज़ मसूद कादिर। आई स्टडी इन क्लास 8 इन बहरिया कॉलेज कराची, NORE 1। आई हैव टू ब्रदर्स एंड माय फेवरेट हॉबी, माय फेवरेट गेम इज़ फुटबॉल एंड माय फेवरेट हॉबी इज़ टू रीड बुक्स। ओके, फुटबॉल में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? रोनाल्डो रोनाल्डो कहाँ पैदा हुए? रोनाल्डो सर फंचल पोर्चुगल। का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 5 फेब्रवरी 1985। ठीक है। कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुरान मजीद में कितनी दफा मेंशन है? फाइव नो, ये मैं ऑलरेडी आपको ग्रुप पे भिजवा चुका हूँ, आपको स्टडी करनी चाहिए थी। ओके, 1 होल 13 अपॉन 36 का स्क्वायर रूट बताएं। सर 1 होल 1 अपॉन 6। 1 होल 1 अपॉन 6। अच्छा बेटा, अपनी खूबियां बताएं, मेरिट्स। सर मेरी खूबी ये है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ब्रेव हूँ और मैं लॉयल हूँ और मैं पोलाइट हूँ। अम्मी अब्बू में कौन ज्यादा पसंद है? सर अम्मी। ओके, अगर कॉस्ट प्राइस एक शर्ट की हो 500 रुपीज और 10% प्रॉफिट हो जाए तो सेल प्राइस कितनी होगी? सर 550। टेल मी सम ड्यूटीज ऑफ अ गुड सिटीजन। सर अ गुड सिटीजन शुड ऑलवेज ओबे रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इट्स सराउंडिंग्स एंड सोसाइटी। ही शुड हेल्प द पुअर एंड ही शुड ट्रीट काइंडली टू चिल्ड्रन एंड ही शुड ओबे एल्डर्स। ओके, कभी दोस्तों से लड़ाई हुई है? नो सर। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुड तालिबान एंड बैड तालिबान? सर गुड तालिबान आर दोज पीपल हु फॉट अगेंस्ट रशिया फ्रॉम पाकिस्तान एंड बैड तालिबान आर दोज हु डू सुसाइड बॉम्बिंग एंड टेररिस्ट अटैक्स इन कंट्रीज। ठीक है। अम्मी अब्बू के बगैर रहे हो कभी? यस सर। ठीक है। पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ का नाम क्या है? एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान। आपके अब्बू नेवी में हैं, तो आप नेवी में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? सर मैंने हमेशा एयरफोर्स को एज ए इंस्पायरेशन देखा है और मेरा बचपन से ही ख्वाब था कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूं। देन व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ जीडीपी? सर आई वांट टू बिकम अ जीडीपी बिकॉज इट इज माय ड्रीम एंड आई वांट टू सर्व माय नेशन एज अ जीडीपी। 400 का 60% कितना होगा? टू फोर्टी ठीक है। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.3। 0.12। ठीक है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर पंजाब के चीफ मिनिस्टर सर सरदार उस्मान बुज़दार। वेयर इज अर्जेंटीना? सर इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका हमारे किस साइड पे है? ठीक सर
सर साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल 9 अपॉन 9? सर टू. ओके टेल मी व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. सर डाइजेस्टिव सिस्टम इज द सिस्टम इन आवर इन ह्यूमन बॉडी व्हिच डाइजेस्ट्स एंड ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट. ओके मुल्क की कोई चार बड़ी चीजों के नाम बताओ. पाकिस्तान की कोई चार बड़ी चीजों के नाम बताओ. सर आइकन टावर, मीनारे पाकिस्तान. आईफल टावर कहाँ पे है? सर आइकन टावर. आइकन टावर ठीक है. मीनारे पाकिस्तान एंड सर टॉम्ब ऑफ कायदे आजम. ओके एंड सर केटू. केटू या माउंट एवरेस्ट? सर केटू. केटू. माउंट एवरेस्ट किस कंट्री में है? मैंने सुना है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है. सॉरी सर. ओके स्पीच ऑन सीपैक. सर सीपैक स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. इट इज अ हाईवे थ्रू बिल्ट फ्रॉम द पोर्ट ऑफ कराची टू द सिटी ऑफ चाइना. एंड इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना. इट विल It is more like a trade route which will help in the trade of Pakistan and China and other neighboring countries. What is your date of birth? 6 May 2007. What is your weight? Sir, 42 kg. 42 kg. Kg or pound? Sir, kg. Kg. What is your height? Sir, 5 foot 5 inches. 5 feet 5 inches. ओके तालीम और तरबियत के बारे में आप क्या जानते हो? सर तालीम वो चीज़ है जो हमें असातिज़ा देते हैं, जो हमें स्कूल से मिलती है. और तरबियत वो चीज़ है जो हमें खाने पीने की और उठने बैठने की तमीज, और ये हमें पेरेंट्स से मिलती है. हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डू यू हैव? सर आई हैव टू ब्रदर्स. दुबई का कैपिटल बताएं. UAE का. सर ओमान. नो. क्या आपको लगता है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे? यस सर, मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है और मेरा इंटरव्यू भी काफी हद तक अच्छा जा रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा. ओके आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है? सर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ऐसी कोई खास खूबी जो आप में भी मौजूद हो? सर वो कॉन्फिडेंट थे और वो हमेशा हक के लिए लड़ते थे, और मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ और हमेशा हक के लिए लड़ता हूँ. ठीक है. फैमिली के दरमियान ताल्लुकात कैसे हैं? सर बहुत अच्छे. व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी? सर बिग बैंग थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो यूनिवर्स वॉज कम्पैक्ट इन अ स्मॉल होल इन अ टाइनी होल एंड देर वॉज अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन विच थ्रू अपार्ट द एंड स्प्रेड ऑल द प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज एंड दैट्स हाउ द गैलेक्सीज एंड द यूनिवर्स वॉज मेड. इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है? सर इस वक्त दुनिया में चाइना पाकिस्तान के दरमियान एक जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है, और सर अमेरिका में इलेक्शन ख़त्म हुए हैं और नया प्रेसिडेंट बनाने की बन रहा है. और नया प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका का? सर जो बाइडन. अबू की क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैट्रिकुलेशन. आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? फेवरेट फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड? सर शहीर. शहीर की कोई खामियां बताओ. सर वो थोड़ा सा सुस्त है और
सर बस यही काम ही है। ओके, स्कूल में क्या पसंद है? सर स्कूल में सर प्लेग्राउंड में खेलना। क्लास फेलोज और प्लेग्राउंड, इन दोनों में से अगर आप कंपैरिजन करें तो कौन किसको ज्यादा वोट करेंगे आप? सर प्लेग्राउंड कैसे दोस्त नहीं रखने चाहिए? सर बुरे अखलाक वाले और जो हमें बुरी राह की तरफ लेके जाएं उन वो दोस्त नहीं रखने बुरी चाहिए। राह क्या होती है? सर जो मतलब बुरे काम करने के लिए एक बंदे को बुरी बुरे तरफ काम या का कोई बुरी एक एग्जाम्पल दे दो। सर अल्लाह की इबादत ना करना। ठीक है, व्हाई टू चूज कैडेट कॉलेज? सर इट इज माई ड्रीम टू बिकम अ कैडेट एंड सर्व माई नेशन एज अ कैडेट एंड इट हैज बीन ऑलवेज माई ड्रीम टू बिकम अ कैडेट। अगर एक गाड़ी की स्पीड हो 120 किलोमीटर पर आवर, तो 6 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सर 12 और अगर एक गाड़ी की स्पीड हो 36 किलोमीटर पर आवर, फिर 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सर 3.6 गुड, 2 + 2 / 2। थ्री नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान? देवदार। आर्मी चीफ का नाम क्या है? जनरल कमर जावेद बाजवा। इस्लामी महीनों के नाम बताएं। सर मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउस सानी जमातियुल अव्वल जमातियुस सानी रजब शाबान रमजान शवाल ज़िकद ज़िलहज। माशाल्लाह, जबरदस्त। आपके नाम का मतलब क्या है? सर हिफाजत। ठीक है, सो अगर हम आपको नॉट रिकमेंड करें तो आप क्या करोगे? सर मैंने पूरी कोशिश की है और मेरा इंटरव्यू भी काफ़ी हद तक अच्छा जा रहा है और मेरी पढ़ाई पर भी मुझे पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है कि मैं इंशाल्लाह रिकमेंड हो जाऊंगा। सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आपको कामयाब करे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। सो बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज। ओके जेंटलमैन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सर माय नेम इज मोहम्मद मुनीबुर रहमान, आई स्टडी इन क्लास 8 टी। माय फादर नेम इज वरुण अफसर खालिद हसन। आई हैव टू ब्रदर एंड नो सिस्टर। माय हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट एंड माय एम ऑफ लाइफ इज टू बिकम अ जीडीपी और फाइटर एयरप्लेन। माशाल्लाह, एंड व्हाट इज योर मेरिट्स? सर आई स्पीक ट्रूथ, आई हेल्प ईच अदर, आई एम वर्क हार्डर एंड आई एम ब्रेव। एंड व्हाट आर योर डीमेरिट्स? सर आई एम नॉटी। इधर कुछ रख दो यार। सर आई एम नॉटी एंड सम टाइम आई लेफ्ट वन प्रे ऑफ 5 टाइम्स। ओके जेंटलमैन, टेल मी व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स? सर आई वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स इज द गैलेक्सी ऑफ टीम वर्क, इंटीग्रिटी एंड एक्सीलेंस, एंड दिस ऑल अट्रैक्टेड मी टू ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स एंड आई वांट टू डेडिकेट माई मदर लैंड फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स एज अ पायलट। ठीक है, माशाल्लाह, जबरदस्त, वेल डन। आप अपना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता दो जिसकी वजह से हम आपको रिकमेंड करें। सर मैं हार्ड वर्क हूँ। हार्ड वर्क करूँ मतलब? हाँ सर, मैं मेहनत करता हूँ। जो चीज मुझे चाहिए हो मैं सर उसके लिए ज्यादा मेहनत करता हूँ। ठीक है, ओके बेटा, अर्जेंटीना का कैपिटल बता दे। अर्जेंटीना का? सर ब्यूनोस एरीज। इफ डजन एग प्राइस इज ₹22, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ 30 एग्स? इंटेलिजेंस। सर 55। यस, व्हाट इज 10% ऑफ 600?
Sir, 60. Who is your favorite player? Sir, Shahid Afridi. Okay, speech on Shahid Afridi. Sir, Shahid Afridi was born on 1 March 1940. He was born in Khyber Pakhtunkhwa in Khyber Regency. In 2016, he takes retirement from Pakistan team. Now he only plays in leagues such as PSL and CPL. Okay, beta. आपका favorite fighter plane कौन सा है? The JF-17 Thunder. Okay, tell me some info about JF-17 Thunder. What do you know about JF-17? Sir, JF-17 Thunder, which is also known as Joint Fighter 17 Thunder. Its top speed is 1960 km per hour and its range is 3482. It is used in ground attacks and it was first built in 2009. Its cost is $500 million. आपका वेट कितना है? Sir, 36. 36 क्या? टन? 36 किलोग्राम. किलोग्राम. और आपकी हाइट कितनी है? सर 5'3" इंचेस. इस्लामी महीनों के नाम सुनाए. सर मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शवाल, ज़िकर, ज़िलहज. ओके, यूरोप के पांच ममालिक के नाम बताएं. सर फ्रांस, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, नॉर्वे और डेनमार्क. आर्मी और नेवी में क्यों नहीं जाना चाहते हैं? सर क्योंकि सर पाकिस्तान एयरफोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं जीडीपी बन सकता हूँ और आर्मी और नेवी में मैं जीडीपी नहीं बन सकता. ये मैं जीडीपी बनना मेरा ख्वाब है बचपन से. ठीक है, आपको कौन सा खेल पसंद है? सर क्रिकेट. Define ecology. Sir, ecology is the study of the relationship between the interaction of living thing and non-living thing. Okay, 200 को 2:3:5 में divide कर लो. तीन दोस्त हैं, आपने उनमें 200 distribute करने हैं 2:3:5 में, तो कितने कितने मिलेंगे? सर 40, 60 और 100. ठीक है, वेल डन, शाबाश, माशाल्लाह. 1/2 बड़ा या 2/4? सर दोनों इक्वल है. ठीक है, और 1/2 + 3/6 से क्या आंसर आएगा? सर 1. व्हाट इज 60% ऑफ 400? सर 240. ठीक है, माशाल्लाह, अभी तैयारी काफी अच्छी हो गई है. वेल डन, एक्सेलेंट. व्हाट इज 2% ऑफ 90? रखो इधर, मैंने रखाया था. सर 1.80 या 1.8? वेल डन. अगर आप मार्केट 300 रुपीज लेकर गए और 80% आपने खर्च कर लिए तो बताओ कितने बच गए? सर 60 रुपीस बच गए. इराक का कैपिटल क्या है? थैंक यू. इराक का जी बगदाद. यूएनओ से क्या बनता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. येलो सी कहाँ पे है? येलो सी आप ना बताया करो बेटा, इंटरव्यू चल रहा है. चाइना में. यस, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है? वालेकुम अस्सलाम. सर इमरान खान. और प्रेसिडेंट कौन है? सर आरिफ अलवी. अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है? मिस्टर अशरफ गनी. 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256. जीडीपी के क्वालिटीज बताओ. सर वो मेहनती होते हैं, सर वो सही बोलते हैं,
हार्ड वर्कर होता है और सर अपने मुल्क की कीमान ये बोल आप घर से 70 रुपीज लेकर गए और आपने 70% का लिए तो बताओ आपने कितने का लिए अभी ना बताया कर सुना ही देंगे सर 49 गुड आयरलैंड का कैपिटल बताएं आयरलैंड का जी सर डबलिन 2 होल 14 अपॉन 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 8/5 ओके लास्ट क्वेश्चन गिव अ स्पीच ऑन ग्लोबल वार्मिंग अब गया सर नहीं पता सॉरी सर बोल देना सॉरी सर ओके व्हाट इज ब्लैक होल ओके लास्ट क्वेश्चन कनाडा का कैपिटल क्या है कनाडा का कैपिटल ओटावा ओके बेस्ट ऑफ लक विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाब करे इंशाल्लाह सो अल्लाह हाफिज और आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा वेल डन ओके बाकी स्टूडेंट्स चूंकि मेरी आप लोगों ने इंटरव्यू के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए तो वो आप लोग को ये लेक्चर के स्टार्ट में मिल जाएंगे उसको लाजमी फॉलो करें आप लोगों ने इन दो लड़कों के इंटरव्यू सुन लिए और आप लोग को ये पता लग गया कि इंटरव्यू किस नौयत की हो सकती है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी वो कर सकते हैं क्वेश्चन ये नहीं होंगे मैंने कभी नहीं कहा कि यही क्वेश्चन होंगे लेकिन इस जैसे होंगे अगर आप लोग इन क्वेश्चन के अच्छे से आंसर दे सकते हो इसका मतलब आप लोग वहाँ पर भी अच्छा से दे सकते हो फिर भी जो इंस्ट्रक्शन में मैंने चीज़ें बताई उसको 100% करें क्योंकि वो यूजुअली हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं सो बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद